नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक HDFC की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आपको हर महीने पैसा मिलेगा और आपकी जो मैच्योरिटी होगी उसके ऊपर भी पैसा मिलेगा, यानी कि डबल धमाका। ये स्कीम के अंदर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर FD वगैरह से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। HDFC मतलब आपको पता है प्राइवेट प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ी बैंक है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले क्या कुछ खास है स्कीम के अंदर, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप आराम से डिसीजन ले सकते हो और हर महीने इसके अंदर आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। दोस्तों, आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दो मेरे यारों, वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो ये स्कीम का नाम है HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। आप अपना इनकम का थोड़ा बहुत पर्सन आप डाल सकते हो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। अभी दोस्तों, इसके रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम, यानी कि जब से ये फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 12.60, और 5 साल की बात करें तो इसने 16.5% रिटर्न निकाल के दिया है, और लास्ट 3 ईयर की बात करें तो इसने रिटर्न निकाल के दिया है 32.12, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और 1 साल की बात करें तो इसने 28% रिटर्न निकाल के दिया है। दोस्तों, ये तो हो गई बात रिटर्न की। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कैसे करें। इसके अंदर आप SIP के जरिए भी कर सकते हो, हर महीने 500-500 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मिनिमम आपको लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 5,000 रुपया डालना है, फिर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितना भी आप इन्वेस्टमेंट करो। अभी दोस्तों, बात करते हैं फंड साइज, यानी कि ये फंड में कितने लोगों ने पैसा लगाया है। इसके अंदर 9,840 करोड़ इसका फंड साइज है, यानी कि इतने सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया है। ये बड़ी म्यूचुअल फंड की बड़ी कंपनी है, जिसके अंदर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है ऑलरेडी बहुत सारे लोगों का। अभी दोस्तों, बात करें होल्डिंग, होल्डिंग मतलब क्या। HDFC ने आपके पास तो पैसा ले लिया, लेकिन वो डालता कहाँ है, इसको बोलते हैं होल्डिंग। इसकी होल्डिंग को बात करें तो इसने HDFC बैंक लिमिटेड में 4.5% डाला है, ICICI बैंक में डाला है 3.5%, SBI में 2.5% पैसा डाला है, इन्फोसिस में इसने 2.5% डाला है, फिर रिलायंस में इसने 2.5% डाला है, लार्सन एंड ट्रिब्लो लिमिटेड में डाला है 1.25%, फिर ITC में है 0.25%, महिंद्रा एंड महिंद्रा में है 1.70%, फिर टाटा कंसल्टेंट सर्विस लिमिटेड में 1.60%, फिर HDFC कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1.51। यानी कि होल्डिंग भी काफ़ी है, बड़ी बड़ी और अच्छी कंपनी है, जैसे SBI, रिलायंस बहुत बड़ी और अच्छी कंपनी है, इसके अंदर कंपनी ने पैसा लगाया हुआ है। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं आप कितना लगाओगे पैसा तो कितना रिटर्न मिलेगा। ए प्लान SWP है, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, तो इसके अंदर आपको हर महीने पैसा मिलेगा और मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलेगा। इसके अंदर दोस्तों, आप यहां पे अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो हर महीने आपको 700 रुपया मिलेगा, और 12 महीने का वो हो जाएगा 8,400 रुपया, और मैच्योरिटी यानी कि 12 महीने बाद वो मिलेगा 1,01,200, यानी कि 1,200 रुपया और मिलेगा 12 महीने बाद। डबल रिटर्न हो गया, हर महीने तो आप ले रहे हो और मैच्योरिटी पे भी मिलेगा। अभी दोस्तों, हम आगे बात करते हैं, अगर आपने 5 लाख रुपये 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया तो आपको हर महीने मिलेगा 3,500 रुपया, और टोटल हो जाएगा 5 साल, अगर आप हर महीने 3,500 ले रहे हो तो टोटल 5 साल में हो जाएगा 2,10,000, और मैच्योरिटी के टाइम में आपको मिलेगा 6 लाख रुपया, यानी कि 1 लाख रुपया ज़्यादा। 5 लाख रुपये लगाते हो तो 6 लाख मिलेगा 5 साल बाद, और हर महीने 3,500 भी मिलेगा, यानी कि अभी भी मिल रहा है और फ्यूचर में भी मिलेगा। अभी बात करते हैं 10 लाख, अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो हर महीने 7,000 मिलेगा, यानी कि टोटल होगा 4,20,000। आप 5 साल का टोटल 4,20,000 अपनी जेब में डाल दोगे, फिर 5 साल बाद मिलेगा 11,99,000, यानी कि ये मैच्योरिटी पे 2 लाख रुपया और मिलेगा। ये तो 4,20,000 ले लिए, 2 लाख और मिलेगा। अभी यहीं हम 20 लाख रुपये 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर महीने मिलेगा आपको 14,000 रुपया, और 5 साल तक आपने ले लिया होगा 8,40,000, तो आप पेंशन के तौर पे ले रहे हो, और मैच्योरिटी पे मिलेगा 23,99,000, यानी कि 24 लाख रुपया, तो 4 लाख रुपया और मिलेगा 5 साल बाद। अभी दोस्तों, हम बात करते हैं अगर 30 लाख रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया 12 साल तक, तो आपको यहाँ पे मिलेगा हर महीने 21,000 रुपया, और टोटल जो हो जाएगा 12 साल में आपने ले लिया होगा 30,24,000, और टोटल रिटर्न मिलेगा 56 लाख, यानी कि 12 साल बाद आपका 30 लाख का पैसा डबल भी हो जाएगा और हर महीने 21,000 भी मिलता रहेगा, यानी कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आज ही आप HDFC ऑनलाइन से खरीद सकते हो ये,
और ब्रांच में जाके भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।